ये गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड होगा और ये फ्रेंड हो गए साइड में। तो सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज उस विषय पे चर्चा करेंगे यार, चाहे अभी वीडियो का एग्जाम हुआ, पटवारी का हुआ, कनिष्ठ का हुआ, पुलिस का हुआ, बहुत सारे मेरे ऐसे साथी है जो भाई मेहनत उतनी करते हैं जितनी उनके साथ वाले कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा करते हैं। कई बार कमरा ले रखा है पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद भी हर बार नंबर कम, 50 से नीचे आ रहे हैं, कभी 55 आ जा रहे हैं तो कभी 45 आ रहे हैं, नंबर बहुत कम कम आ रहे हैं। एग्जाम को कई बार ब्लेम किया जाता है, कई बार कुछ वजह रह जाती है, कई बार तबियत खराब होती है, लेकिन एट लास्ट जो रिजल्ट है वो नंबर कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उस जो एक्सपेक्टेशन है ना उसके मुताबिक नहीं आ रहे हैं। आपसे आज मैं 10 पॉइंटों की बात करूंगा, 10 पॉइंट बताऊंगा इन वजहों से आपके जो वीडियो हो, चाहे जितने एग्जाम हो यार, कोई भी एग्जाम हो रहा हो, चाहे आप सेंटर का दे रहे हो, स्टेट का दे रहे हो, उसमें जो कम नंबर आ रहे हैं ना, 10 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप भी देखोगे, अगर इन 10 पॉइंटों में आप भी इनमें से किसी पॉइंट पे आप देखते हो कि आप भी इनको यूज कर रहे हो, आप भी इनमें घुले मिले हुए हो, तो आपके इसी वजह से जो नंबर कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसकी एक वजह। तो आपसे जल्दी से बात करते हैं यार, वो 10 पॉइंट कौन से हैं। कृपया इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, खुद के भविष्य के लिए पूरा जरूर देखें। तो भाई कभी कोई एग्जाम टफ आ गया वो अलग बात है यार, टफ आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, कई बार सही में तबियत खराब हो जाती है, कई बार सही में ऐसी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपका एग्जाम सही नहीं हो पाता। लेकिन बहुत ज्यादा बार ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ ठीक किया होता है, बिल्कुल पढ़ाई की होती है, आपके जो साथ वाले हैं उनसे भी आपने ज्यादा पढ़ाई की होती है, उसके बाद कमाते हैं। तो पहला पॉइंट बताऊंगा स्ट्रेस, पहला पॉइंट होता है स्ट्रेस। आप लोग बहुत ज्यादा एग्जाम का स्ट्रेस लेते हो, क्या होगा, फेल हूंगा, पास हूंगा। अगर आप ये चीज ना लो ना, आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो कई बार कि भाई मैं पास हूंगा, अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, इस बार लास्ट एग्जाम है, उम्र निकलती जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें बनके जब आपका स्ट्रेस दिमाग में आ जाता है, एक जो आप टेंशन ले लेते हो ना, तो ये टेंशन आपके जो एग्जाम है वहां पर आपको जो चीज करना चाहिए उसमें बहुत बड़ा रोड़ा बनती है। तो मेरे भाई, मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, और सारी भाषाओं को छोड़ के मैं सीधी सीधी भाषा बोलना चाहूंगा कि यार टेंशन वेंशन छोड़ो, एग्जाम दो, आराम से दो, उसको एक ना गेम की तरह लो कि भाई इस बार मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया, पिछली बार जैसा था, इस बार उससे अच्छा करूं, बस एक खेल की तरह लो, खेल भावना जैसे बोलते हैं ना, वैसे एग्जाम भावना दिखाओ, बिल्कुल भी ऐसा टेंशन में मतलब कि भाई फेल हो गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। यार दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं, आप अगर एग्जाम ये वाला नहीं होगा, दूसरा दोगे, वो नहीं होगा, तो कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब कुछ भी कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, इंसान बन के पैदा हुए हो, जानवर बन के नहीं, कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रेस लेना कम कर दो, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, बिल्कुल उसके बाद आपका एग्जाम निकलेगा, देखना। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे सीधे से बात करता हूं दोस्तों मैं, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है कि गलत बुक सिलेक्शन बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण है, गलत बुक का सिलेक्शन करना। आप कई बार क्या करते हो ना, जो बुक मिली इसने बोला याली बुक पढ़ ले, उसने बोला एक क्वेश्चन कोई अजीब सा आ गया, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपने दूसरी बुक खरीद लिया, आपने सोचा यार ये हो रहा है, कोई भी बुक, कोई भी राइटर, आलतू फालतू जो भी चलता हुआ वो ले ली। आप एग्जैक्ट जो सही बुक है ना, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, जो बेसिक बुक है जो चली आ रही है उन बुकों को पढ़ो। आप हिंदी पढ़नी है, आप जो भी साइंस पढ़नी है, आप उसके बाद जीएस पढ़नी है, जो जो मेन मेन बुकें हैं, कुछ चीजों में लूसेंट काम की है, कुछ चीजों में जो जो यशवंत सिंह कटौच है उत्तराखंड में, कई सारी बुकें हैं जो मेन मेन राइटर हैं जिनकी एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, वो वाली बुकों को पढ़ो। आप आलतू फालतू अगर कोई एक दो क्वेश्चन उल्टा सुल्टा आया था, आप सोचते हो यार याला इस बुक से आया था, तो वाली पढ़ लो, कोई नया राइटर निकल के आता है वो कहता है यार वो पीसीएस निकाला है उसने, या उसने ये एग्जाम निकाला है, तो आप उसकी बुक पढ़ लेते हो। आप बुकें पढ़ो, लेकिन जो फोकस होना चाहिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक बुक है, आपका जब बेस बिल्कुल मजबूत होगा ना, जैसे कोई मकान होता है कितना बड़ा बना लो भाई, लेकिन जब उसका बेस मजबूत होगा तो उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। बेस उसका कमजोर है, आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, आपने जो बेसिक बुकें हैं वो पढ़ी नहीं, और आपने आलतू फालतू बुकें बहुत ज्यादा पढ़ ली, जहां तहां आप जो चैटों में लगे रहते हैं क्वेश्चन आंसर करने में, वो चीज छोड़ो और बेसिक बुकें पढ़ो। इधर उधर की बुकें नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा बुकें पढ़ने से आपका सब दिमाग में ना सारी खिचड़ी बन जाएगी, तो खिचड़ी को नहीं बनने देना है, आप जो बेसिक बुकें हैं वो पढ़ो, एग्जाम जरूर निकलेगा। तीसरी बात जो मुझे लगती है भाई, वो होता है सही मार्गदर्शन। आपको सही मार्गदर्शन, अगर सही गाइडेंस सही टाइम पे ना मिले ना, मैं जानता हूं कि उत्तराखंड में यार बहुत कठोर, बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, पहाड़ में बच्चे रहते हैं, पहाड़ों में कई जगह पे कोचिंगें नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बुकें नहीं मिल पाती है, मार्गदर्शन सही नहीं मिलता। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम देना है, ये सही चीजें अगर आपको बताने वाला मिल जाए, आजकल तो जगह जगह पर ऐसी कोचिंगें खुली है जो भाई 100% हमारा रिजल्ट है गारंटी देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वहां पर फंस के बच्चा अपना टाइम खराब करता है, 2 साल निकल जाते हैं, फीस दे दो, उसके बाद कहते हैं कोचिंग वाले फिर कोई मतलब नहीं, टीचर क्लास में आ नहीं रहा है, फीस लेने वक्त बोल देते हैं कि यार हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, आपकी जो जॉइनिंग है वो तो बिल्कुल यहां से 100% हम जॉइनिंग कराएंगे, और एक बार जब फीस चढ़ेगी उसके बाद क्लास में टीचर दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है। सही मार्गदर्शन मिलना, आपको क्या कैसे कब और कहां पढ़ना है, तो ये अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले, किन बुकों को पढ़ो, किस तरह से पढ़ो, सही मार्गदर्शन ना मिलना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो बच्चे यार बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं है तो उनके नंबर सही नहीं आ पाते हैं। चौथा जो कारण है
ना भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है और वो है लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस भाई, अगर आप इतने टैलेंटेड भी हो, कितने भी हो ना, कितने पढ़ा लिखा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। लो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा अंतर है ना भाई, आप देखते हो कि बहुत सारे यार, एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, कई सारे क्रिकेटर होते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300-400 रन एक मैच में मार के आते हैं, उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो भाई जीरो में आउट हो जाते हैं कई बार फर्स्ट गेम में, सेकंड गेम में। बहुत सारे गेमों में धोनी के साथ ऐसा हुआ, विराट कोहली के साथ हुआ यार, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ जो भाई स्टार्टिंग में 0-0 में हुए जबकि अंडर 19 के चैंपियन थे। क्यों? क्योंकि लो कॉन्फिडेंस था, हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उनमें कॉन्फिडेंस आया ना तो आप सब जानते हो कहां पहुंच गए। तो लो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद में ऐसा हुआ है भाई कि मैंने कॉन्फिडेंस में जाके ना बहुत सारे, मतलब मैंने पढ़ाई पहले बहुत ज्यादा करी थी, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस में पेपर देता था तो बिना पढ़े कोई ना रिवाइज किया ना कुछ किया, लेकिन जब एग्जाम आया और पेपर दिया ना पेपर निकल जाता था। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं कॉन्फिडेंस में। आप जिस दिन एग्जाम दोगे ना उसके बाद आप देखना जो आपके 50 नंबर का पेपर होता था ना वो कम से कम 65 में तो पहुंच ही जाएगा, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस को लाओ, लो कॉन्फिडेंस को आपको हटाना है। पांचवा कारण बताऊंगा भाई, पांचवा कारण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड, ये सारे जो है ना, ये गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड होगा और ये फ्रेंड हो गए साइड में, तो भाई ये सब कुछ अगर आपको पढ़ाई करनी है, देखो पहली बात मैं बोलता हूँ, अगर बहुत लोग मेरे पास आते हैं मेरे से फोन में बात करते हैं या मेरे से मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि सर हमको पढ़ाई करनी है, वो सोचते हैं यार हम भी पढ़ाई करेंगे 1-2 साल में 2-3 साल में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे यार जिन्हें लगा कि यार ये भी पढ़ने लग गया, नौकरी लग गई, जो भी हुआ, तो ऐसा उन्हें भी लगता है कि भाई पढ़ लो और उसके बाद सरकारी नौकरी ले लो। तो भाई एक चीज कहना चाहूंगा, सरकारी नौकरी निकालना कुछ भी आप करते हो यार, दुकान खोलते हो, कोई बिजनेस करते हो, समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से कोई भी आपका जो भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, पहले दिन से चल जाए। आपको हर चीज में कम से कम 3 साल 5 साल 2 साल कुछ भी समय होता है, उसके हिसाब से आपको वो लगाना ही है। बिना समय लगाए आपका कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होता है। और अगर आप इस बीच में, सबसे मेन है आपका एग्जाम में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एस्पायरेंट हो, आप अगर गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में या फ्रेंडों में घूमना भी आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फोन पे लगे हो, उनसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक ये तपस्या है यार, पढ़ना एक तपस्या, अगर आपको ये करना है ना, तपस्या अपनी पूर्ण करनी है, इसका फल आपको चाहिए, वो भी मीठा फल चाहिए, तो भाई इन सब चीजों से दूरी बनानी होगी। अगर आपको ये करना है यार, ज्यादा समय की बात भी नहीं है, 2 या 3 साल लगते हैं, अगर आप ये 2 या 3 साल ये कर पाए, 2 या 3 साल आपने ये तपस्या कर ली ना, तो उसके बाद भाई सब कुछ करते रहना, फिर तो शादी कर लेना। वैसे भी जॉब लगते ही जैसे सरकारी नौकरी लगती है, हर कोई 1-2 साल में शादी कर लेता है, तो ये 2-3 साल आपको तपस्या करनी है ये सोच के चलो। अगर आप फ्रेंड भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई की सोचना बेकार है। छठा कारण बताऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, पढ़ाई लगातार नहीं करते हो। पढ़ाई क्या करते हो, जैसे आज पढ़ाई कर ली, कल पढ़ाई कर ली, 3 दिन कर ली, 10 दिन कर ली यार, 10 दिन के बाद क्या हुआ, आज कोई मामी आ गई, आज चाची आ गई, आज दोस्त आ गया, कुछ भी हुआ, आज गैप मार लिया, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा हूं यार, थक गया था, नींद नहीं ले पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, गैप मार लिया, फिर कुछ हुआ, फिर गैप मार लिया, आज क्रिकेट है, आज गैप मार लिया, आज फुटबॉल है, कुछ भी है भाई, कुछ भी है, बगल में शादी, आज गैप मार लिया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। मैंने इससे पहले बोला था, पढ़ाई एक तपस्या है और इस तपस्या को करने के लेना आपको बहुत मेहनत लगती है, तभी मीठा फल मिलता है। तो इसमें जो गैप मारने का होता है ना, ये नहीं करना है। अगर आपको करना है, आप ये सोच के चलो, जब भी पढ़ाई में आ रहे हो तो ये सोच के आओ भाई मुझे करना है, और मतलब 2-3 साल आप ये लेके चलो कि कम से कम 3 साल तक मुझे भाई बिल्कुल, मैं एक काम कर रहा हूं, मतलब ये क्या है ना, पढ़ाई को सोच लो कि मेरी एक जॉब लग गई है और मेरा काम क्या है, और वो मेरा काम है सुबह से लेकर रात तक पढ़ना। अगर आपके पास कोई ऐसा, आपको घर से कोई दिक्कत नहीं है, तो सुबह से लेकर रात तक आपको पढ़ना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कमरा लेके रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घूमना फिरना, ये सारी चीजें करते हैं। आप ये देखो कि भाई आपको अगर कमरा घर वालों ने दिया है, सब कुछ आपको कर रहे हैं, तो भाई आपको केवल पढ़ाई करनी है, अपनी जॉब मानो उन्होंने, क्योंकि आपको सब कुछ संसाधन दे रखे हैं, तो आपको ये मानना है कि भाई मेरा काम क्या है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करो ना, फालतू की चीजों में इधर उधर टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो केवल पढ़ाई में अपना फोकस करो, फिर देखो नंबर क्यों नहीं आते हैं यार। सातवां बहुत बड़ा कारण है आपका, यही मोबाइल जिसको आप अभी देख रहे हो। अब ये मत कहना कि भाई मैं देख रहा हूं तो आपका वीडियो ही बंद कर देता हूं, तो भाई अभी सुन लो, उसके बाद जो आपकी मर्जी है, लेकिन भाई ये मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है, कुछ भी करना है, आपको लाइफ में सफल होना है, तो भाई ये मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है। ये जो चैटें चलती रहती हैं ना टेलीग्राम पे, इधर उधर सारी जगह पे, ये चैटें ना आपका इतना दिमाग खराब करती हैं, इतना टाइम वेस्ट करती हैं, आपका सारा का सारा मूड। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा, मान लो कोई क्विज चला देते हो, उसमें कुछ करते हो, कोई बहुत अच्छे आंसर दे रहा है, आपको लगता है यार ये तो बहुत ही आगे हो गया, तो वैसे ही वहां पर और दिमाग खराब हो जाता है, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूं। और उसके बाद आपका फिर क्या है, धीमे धीमे उल्टी सुलटी चीजें देखना, गूगल में फिर उसका सर्फ करना, बाकी मतलब
मतलब ये सारा जो आपका टाइम वेस्ट होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपके पास एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ भी घर में अपना जो भी मतलब अपने जरूरी काम करते हो ना, जो पढ़ने वाला होता है भाई, उसे दौड़ दौड़ के करना पड़ता है। मतलब ऐसी स्थिति होती है, मैं तो ऐसी करता था, दौड़ते दौड़ते करता था, ऐसा लगता था भाई टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो आपको ये फोन पे लगना तो भाई उसमें पता ही नहीं चलता है कब एक घंटा निकल गया, कब दो घंटे निकल गए। कई बार क्या करते हैं, पढ़ाई करते जैसे हमने एक घंटे कर लिया, हम सोचते हैं 10 मिनट के लिए फोन देख लो, लेकिन वो 10 मिनट में क्या होता है ना, हमारा दिमाग कहीं और ही चल जाता है। फेसबुक लगा दिया, कहीं लगा दिया, कोई शॉर्ट्स आ गए, ये आ गए, तो भाई उनको देखते रहे। कभी कभी क्या हुआ, कोई और ऐसी चीज दिख गई भाई, कोई गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड की फोटो दिख गई, तो दिमाग वहीं चले गया फालतू का। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। फोन को छोड़ दोगे ना तो आधा तो आपका एग्जाम निकलना, आपके नंबर अच्छे आने, ये सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। पढ़ाई में मन लगने लगेगा, फोन को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, फोन को त्यागना पड़ेगा अगर आपको कुछ बनना है तो। आठवां चीज बताऊंगा, आठवां चीज है आपकी जो रटने की आदत है। कई लोग क्या करते हैं भाई, रटते हैं, मतलब वो पढ़ते कम है। और देखो, कई चीजें रटनी पड़ती हैं, कई चीज पढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं शुरुआत में पढ़ाई करने लगा, मैं बहुत दिमाग से कमजोर था। मतलब मुझे ऐसा लगता था, शायद दुनिया को भी लगता होगा, मैं बहुत दिमाग से कमजोर था। मैं हर चीज को रटता था, कोई भी चीज पढ़ूंगा तो मैं क्या करता था, इसने ऐसा किया, ये इतने में हुआ। मतलब मैं रटते रहता था, क्योंकि समझ मेरे को आता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि शुरुआत में रटता था, लेकिन धीमे धीमे जाके मेरे को पता चला कि भाई रट के कुछ नहीं होगा। और मैं धीमे धीमे क्या हुआ, माइंड भी डेवलप हुआ, थोड़ा पढ़ाई में और इंटरेस्ट आया, तो मैं धीमे धीमे जाके उसको समझने लग गया। अब ऐसा होता है कि जब आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया ना, उसके बाद भाई आपको कभी भी वो पूछे कोई भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज मैंने क्यों बोली आपसे, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हो तो एक चीज देखते होगे, क्या होता है, आप लोग क्या कहते हो एग्जाम में आने के बाद हमेशा, कि उसके चार आंसर थे, चारों एक जैसे लग रहे थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसका राइट आंसर क्या है। ऐसा कब होता है आपके साथ, ऐसा तब होता है जब आपने रटा होता है, आपने समझा नहीं होता है। अगर आपने उसे समझ लिया होगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, जन्म क्या था, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, तो आपको अगर पता होगा भाई 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर ही होगा। जिसने रटा होगा 2 अक्टूबर 1869, वहां पे जब एग्जाम में आएगा ना 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर ये वो, तो आप वहां पे सोचोगे 1879 तो नहीं है, 59 तो नहीं है, 79 तो नहीं है, तो आप कुछ भी डाल दोगे। तो रटने से ज्यादा समझने की आदत डालो। देखो, कहीं चीज पर रटना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ईयर होती है, को रिलेट करनी पड़ती हैं अपने फ्रेंडों के नाम के साथ, अपने इधर उधर के रिश्तेदारों के, रिलेटिव के, इन चीजों से को रिलेट करके चीजों को याद किया करो। जैसे मान लो आपका कोई, अगर कोई दोस्त हो जिसका नाम सुरेश हो, पंकज हो, मोहन हो, कुछ भी हो, तो आपका अगर वो टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, वो टाइप के नाम होते हैं, तो आप उसी के नाम से वो को रिलेट कर लो। अगर किसी का जन्म है तो आप ये मान लो कि उसका जन्म 1850 में हुआ था या 1863 में हुआ था, कुछ भी हुआ, तो आपको क्या रहेगा ना, सीधे वो याद रहेगा। जैसे भी आपको वो क्वेश्चन आएगा, तो आपको अगर नहीं याद कर पा रहे हो तब की बात बता रहा हूं, तो अगर आप उसके नाम से याद करोगे कि यार उसका जन्म कब हुआ था, तो उससे आपको बिल्कुल वो चीज फट से याद आ जाएगी। तो कुछ चीजें रटनी पड़ती है, कुछ चीजें समझनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो समझनी पड़ती है, तो समझ के चलो, रट के नहीं। नौवां जो पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं फेल हो गया, एग्जाम खराब हो गया, ये एग्जाम खराब हुआ, वो हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हूं, अब मैं पत्थर तोड़ूंगा, रोड में काम करूंगा, चाहे मैं दुकान खोलूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मेरे बस का कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि मैं फेल हो गया। तो ये सोच आपके अंदर कहां से आ गई, मतलब एक एग्जाम हो, दस एग्जाम भी खराब हो जाए भाई, 20 एग्जाम खराब हो जाए, कोई भी एग्जाम ना, आपको कोई भी ये निर्धारित नहीं कर सकता भाई कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या कैलिबर है। केवल एग्जाम आपको कोई भी जांच नहीं सकता। हो सकता है आप किसी और चीज में अच्छा कर सकते थे, हो सकता है कोई भी हो सकती है कि आपको एग्जाम सही नहीं हुआ। तो कभी भी हार नहीं माननी है, लास्ट तक हार मत मानो। अगर आप मन पक्का होगा ना, आपने सोच के रखा होगा भाई कुछ भी हो मुझे निकालना है, मैं करके रहूंगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। तो अपना मन पक्का करके रखो कि भाई मैं फेल हूंगा तो हूंगा, लेकिन मैंने इस बार जो गलतियां करी थी अगली बार नहीं करनी है, अगली बार मैं इन गलतियों को छोड़ के और अच्छा एग्जाम करूंगा, और बढ़िया करूंगा। अपनी जो जो गलतियां करते जाते हो ना, उनको नोट करो, क्यों मेरा टाइम मैंने ज्यादा लिया एग्जाम देने में, मैंने जो जो गलतियां करी उनको सबको नोट करके रखो, अगले में उनको हटाने की कोशिश करो, ना कि हार मान जाओ यार। इस बार अगर हार हुई है ना, हार के बाद ही जीत होती है, तो भाई उसको और ज्यादा अपने पॉजिटिव वे में लो कि मैं इस बार हारा हूं तो अब मुझे जीतना है, और मेहनत करनी है। मैंने दो टाइप के लोग देखे हैं यार ज्यादातर। मैं तो आपको सीधे से बता दूं, मैं उस टाइप का आदमी हूं कि भाई मेरे को अगर मैं हारता हूं ना, तो मेरे को मजा ही उस गेम में आता है जिसमें मेरे को हार मिलती है, क्योंकि हारने से ही मुझे जीतने की एक आशा मिलती है, जीतने की मतलब एक यार अपने अंदर से निकलती है कि भाई मुझे जीतना है। और दूसरे टाइप के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, भाई कोई गेम खेलो, कुछ करो,
अगर एक बार हार गए ना छोड़ यार, अब नहीं खेलने। अगर कोई भी चीज़ में हार गए, कुछ गलत रिजल्ट आया तो भाई अब मैं नहीं कर रहा, मेरे बस का नहीं है। तो भाई ये वाली आदत छोड़ो, हार होती है होने दो, हार के बाद ही जीत का रास्ता बनता है। तो जीत का जो रास्ता बनता है ना, उसे बनाना आपको है, तो उसे बनाओ ना कि हार मान जाओ। होते रहता है यार, कितने एग्जाम खराब होते हैं, पास भी तुम ही करोगे, मेहनत करो और ताकत लगाओ। तो लास्ट पॉइंट बताऊंगा, 10वां पॉइंट, और भाई ये सारे पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, एग्जाम को ना समझते हो तुम, मतलब ये नहीं समझते हो भाई एग्जाम क्या है, एग्जाम कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है। जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, उस तरह से नोट्स बनाओ, उस तरह से यार आपने बहुत सारे, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने कम से कम 5 एग्जाम तो दिए ही होंगे, मिनिमम 5 दिए होंगे। किसी ने नहीं भी पहला एग्जाम भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, अपने पुराने पेपर तो पढ़े होंगे ना, तो पुराने पेपर पढ़ के अगर आपने कम से कम 10 पेपर पढ़ लिए, बुकों में आ जाते हैं यार, बहुत सारी बुकें पढ़ लो, उसमें 10-10, 20-20 पेपर पुराने आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपने पुराने पेपर पढ़ लिए तो समझ लो आपने वो एग्जाम भी दे दिए। तो उसके बाद आपको क्या है, आपको ये समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। आपको ये देख के चलना है कि भाई एग्जाम हो कैसे रहा है। आप कुछ भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, गधे की तरह बोझ उठा के नहीं चलना है। आपको ये समझना है कि भाई एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से उठाता है, कैसे उठाता है। अगर हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ लें तो आप ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, इतने सारे एग्जाम देने या एग्जाम पुराने ओल्ड पेपर देखने के बाद, कि वो किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उसी दिशा में पढ़ाई करनी है। अगर आप उसी दिशा में पढ़ाई करोगे तो आपका एक माइंड लेवल वैसा बन जाएगा कि आप कैसे एग्जाम आते हैं, मेरे को वही चीज पढ़नी है उसी तरह से, और उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, पढ़ना है तो आपको सब कुछ है, फोकस उस पे ज्यादा करना है। ये अगर आपका माइंड लेवल बन जाएगा ना, तो भाई उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे दोगे। आप जब पढ़ाई करोगे, मान लो आप ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो यार, वेदर पढ़ लो, मानसून पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन उठा रहा है। बार बार ये समझो, उसको देखो, इतने जो पुराने ओल्ड पेपर है ये समझो, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन उठाता है, एक तरीका होता है उठाने का, और उन चीजों के हमेशा वहां पे मार्क कर लो, और उसके बाद उनके नोट्स बनाओ, और उन चीजों को नोट्स बना के, कुछ चीजें तो नोट्स बनाई जा सकती हैं और कुछ चीजों को बुक में मार्क कर लो, क्योंकि सारी चीजें नोट्स बनाने की इतना नहीं हो पाता है। और एग्जाम टाइम पे केवल उन चीजों को पढ़ो, शुरुआत में पूरी बुक पढ़ ली और उन चीजों को नोट डाउन कर लिया जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकती है, और उसके बाद एग्जाम टाइम में केवल उन्हीं को पढ़ो, रिवाइज जो हम करना जिसे कहते हैं, और उसके बाद देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होते जाएगा। बस आपको ये सारे पॉइंट जो है ना, उनका एक सार बताऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो, और मेन चीज है अपना जो एग्जाम कैसे वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको ये एक आपका माइंड लेवल वो बन जाना चाहिए एग्जामिनर वाला, कि भाई वो कैसे एग्जाम पूछता है, वही मेरे को पढ़ना है, उसी दिशा में पढ़ना है, उससे एक कदम आगे रहना है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा मेरे को उससे आगे रहना है। बस ये नहीं है यार, गधों की तरह कोई भी बुक मिली, कहीं का राइटर मिला, कुछ भी पढ़ लिया, इतना भर भर के पढ़ लिया, वो सारी चीजें छोड़नी है। आपको अपना एक माइंड बनाना है एग्जामिनर से, एक स्टेप वाला, वो किस तरह से पूछता है उस तरह से आपको पढ़ना है। आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ने, जो फालतू कौन सी नदी के वहां पे क्या था, ये था वो था, वो 4-5 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक जो लेवल है, बेसिक अपने रूट को डेवलप करना है, वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद भाई कोई नहीं रोक पाएगा, एग्जाम जरूर निकलेगा। इन पॉइंटों पे आप बहुत, अगर आपको लगता है कि भाई ये पॉइंट आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, किसी और के लिए भी हो सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन लोगों तक भी पहुंचाना जिस पे आपको लगता है भाई इसकी जरूरत है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यार मेहनत करते रहो, जो भी असफलताएं उनको भूल के कोई दिक्कत नहीं, असफलता मिली तो मिली, अब सफलता मिलेगी, सफलता का रास्ता आप ही को बनाना है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।